सॉफ्टवेयर है हमारा कॉरल रूम, लेक्चर नंबर है हमारा 10, डिजाइन हार्ट। हार्ट हम किस तरह डिजाइन कर सकते हैं कॉरल रूम के अंदर? सबसे पहले हम यहाँ से पॉली लाइन लेंगे। आपने पॉली लाइन शेप लिया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन आपके पास स्ट्रेट आनी चाहिए इस तरह, और स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हम इसको कर्व करेंगे। आपने यहाँ से सिलेक्ट किया शेप टूल और शेप के सेंटर पे आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से प्रॉपर्टी से सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट लाइन टूल। कन्वर्ट लाइन टूल लिया आपने और शेप को अपसाइड ट्रैक कर दिया इस तरह। अभी जो आपके पास लेफ्ट साइड में लाइन आ रही है, सेंटर पे क्लिक किया इस लाइन की, अगेन कन्वर्ट लाइन टूल लेंगे और इसको इस तरह लेफ्ट साइड डाउन ड्रैग करेंगे हम इसको। ड्रैग करने के बाद अब आपके पास ये कॉर्नर में देखिए पॉइंट आ रहा है, इसको हमने इस तरह गोलाई में करना है, राउंड करना है, तो इस पॉइंट पे हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास हार्ट राउंड के अंदर आ जाएगा इस तरह। राउंड करने के बाद अब हम इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट किस तरह होगा? कंट्रोल सी से कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल सी। पेस्ट करने के लिए हम की यूज करेंगे कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद अब हम इसको जो हमारे पास ये सेंटर पे पॉइंट आ रहा है, इसको हम हार्ट को इस साइड ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद अब हमारे पास यहाँ सेंटर पे लाइन आ रही है, इस लाइन को हमने रिमूव करना है, तो सिलेक्ट करेंगे ऑल शेप कंट्रोल ए से, या वरना आप पिक टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे अरेंज के अंदर। अरेंज के अंदर गए, यहाँ आपके पास लिखा आएगा शेपिंग। शेपिंग के अंदर जाके हम सिलेक्ट करेंगे वेल्ड। वेल्ड पे आपने क्लिक किया तो आपके पास देखिए जो सेंटर पे आपकी लाइन आ रही थी वो आपके पास रिमूव हो जाएगी। उसके बाद अब आपने इसके अंदर कलर फिल करना है, तो हम यहाँ से कोई भी इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। कलर ऐड करने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर दो कलर ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी हार्ट को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हम इसमें सेकंड कलर फिल करेंगे। मर्ज करने के लिए कलर अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इंटरैक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल। इंटरैक्टिव आपने ट्रांसपेरेंसी लिया और अब हम इसको इस फर्स्ट आप जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम इसको ड्रैग करेंगे। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए दो कलर मर्ज हो जाएंगे। आपने कलर चेंज करना है, आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर एरो बनाना है, एरो किस तरह हम डिजाइन करेंगे उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पॉली लाइन टूल। लिया आपने पॉली लाइन टूल, लेके एक हम सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। लाइन ड्रॉ करके डबल क्लिक करेंगे इस लाइन के ऊपर। अब हमने इसके अंदर एरो सेट करने हैं। एरो जब हम अब देखें हमारे पास यहाँ कोई एरो नहीं आ रहा, जब हमने आउटलाइंस की ड्रॉ की सिंगल लाइन तो ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाएगी। प्रॉपर्टीज के अंदर देखें हमारे पास यहाँ पर एरो बने हुए आ रहे हैं। अगर इसमें लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर एंड एरो सिलेक्टर, यहाँ लिखा आएगा स्टार्ट एरो सिलेक्टर। ये आपके पास एंडिंग का एरो है, ये आपके पास स्टार्ट का एरो है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट का एरो लेंगे और यहाँ से एंडिंग का एरो। अब देखिए आपके पास एरो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, तो अब हम इसकी आउटलाइन इंक्रीज कर देंगे। तो देखिए आपके पास एरो इस तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम इस हार्ट के बैक पे लेके जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इस आउटलाइन के ऊपर, ऑर्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे सेंड टू बैक। टू बैक पे क्लिक करेंगे तो शेप आपके पास क्या हो जाएगा, बैक पे आ जाएगा। आपने इस पूरे शेप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी से आपने इसको ग्रुप किया, साइड पे रखा, टेक्स्ट टूल लेंगे आप यहाँ से और यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे।
साइज आपने इसकी इंक्रीज की, कलर दे देंगे हम कोई भी। आउटलाइन सेट की इसकी, हम शेप को इस तरह डिजाइनिंग दे सकते। ये हो गया हमारा आज का लोगो डिजाइन, हार्ट लोगो।